आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए हुए चुनाव में मतदान के बाद अब प्रत्याशी आराम फरमा रहे हैं। हरिद्वार नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी अपने समर्थकों के साथ आराम करते दिखाई दिए। प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने सहयोग के लिए हरिद्वार की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरा चुनाव नहीं था, बल्कि समस्त हरिद्वार की जनता का चुनाव था। चुनाव में हुए हंगामे और उतार चढ़ाव पर बोलते हुए सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मंत्री मदन कौशिक ने चुनाव में बहुत हंगामा किया, शहर में शराब की नदियां बहा दी। सम्मानित हरिद्वार के मतदाताओं का आभारी हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ये मेरा चुनाव नहीं था, ये हरिद्वार की समस्त जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का चुनाव था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार की जो गरिमा है, हम सबको उसको कायम रखना चाहिए। चुनाव ठीक है, होता है, लेकिन इतना भी स्तर नहीं गिराना चाहिए कि तीर्थ नगरी की गरिमा पूरे विश्व में गिरे। मैं दावे से कह सकता हूँ, माँ गंगा की सौगंध खा के कह सकता हूँ, मैंने एक रुपए की कोई दारू नहीं बांटी, कोई नशा का पदार्थ नहीं बांटा। अगर कोई कहता है तो मैं हर की पैड़ी पे गंगा जल उठाने को तैयार हूँ। सतपाल ब्रह्मचारी ने एक रुपये की अगर दारू मंगाई हो, कोई दुकानदार बता दे, कोई ठेके वाला बता दे। हल्द्वानी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने अपने कार्यकाल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का लोकतंत्र पर्व समाप्त हो गया है और इस पर्व को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। हम आभार व्यक्त करते हैं उन मतदाताओं का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। वहीं सुरेश भट्ट ने बताया कि जिस प्रकार से इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दे रहा है। इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि 10 मार्च को कौन जीतने वाला है। कांग्रेस यानी जो अपने आप का दावा करती है कि हम देश की इतनी पुरानी पार्टी है, उनको भारत की मेगा पर, भारत की तकनीकी पर, भारत के लोगों पर कोई विश्वास नहीं है, तो वो इस काम को कर सकते हैं। और ये चूंकि उनका पुराना ट्रेंड है, जहाँ थोड़ा भी गड़बड़ हुई तो वहां वो ईवीएम की गड़बड़ी, जहां उनके अनुकूल होता है तो वहां ईवीएम ठीक, जहाँ उनके प्रतिकूल होता है वो तो ईवीएम की गड़बड़ी। इस बात को कहते हैं ईवीएम न तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, न मोदी जी ने बनाई है। ईवीएम हमारे इस देश के तंत्र वैज्ञानिक, जो हमारे टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ईवीएम बनाई गई। और बार बार इस बात के इन प्रश्नों का समाधान चुनाव आयोग ने किया है। और इस बार तो वीवीपैट की सुविधा सब जगह दी गई थी कि हर व्यक्ति तय कर ले कि मैंने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जनता ने अपना निर्णय ईवीएम में डाल दिया, 10 तारीख को पता लग जाएगा। हाँ, लोगों का माहौल, जिस प्रकार से लोगों ने मत दिया है, जिस प्रकार से लोगों का माहौल था, जिस प्रकार से मातृशक्ति ने वोटिंग की है, उससे हम आश्वस्त हैं। हरिद्वार में वन विभाग बहादुराबाद शाखा की ओर से अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसको चलते अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर सहित कई वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की गई है। क्षेत्र में इस समय खनन प्रतिबंध है, उसके बावजूद खनन माफियाओं के तरफ से अवैध खनन किया जा रहा है। वही लक्सर में चीनी मिल के नए पेराई सत्र के शुरू होने के बाद गन्ना मिल में कई ट्रैक्टर ट्रालियां आ रही हैं। मिल से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से लक्सर नगर में हर दिन जाम लग रहा है और जाम को खुलवाने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हर दिन 1 से 2 घंटे का जाम लग रहा है। जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पुंडीर का एक्शन लिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पुंडीर को बाहर का रास्ता दिखाया है। पार्टी विरोध गतिविधियों पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने उन्हें निष्कासित करने की कार्रवाई की है। बता दें कि आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पुंडीर को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया गया है।
खबर मंगलौर से है, जहां नगला चीना गांव में तालाब में केमिकल युक्त पानी जाने से मछलियों की मौत हो गई है। तो वहीं ग्रामीणों को अपनी मवेशियों की जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि उस तालाब में ग्रामीणों के मवेशी भी पानी पीने जाते हैं। इसमें कंपनी का पानी आ रहा है जोड़ में तालाब में, मतलब जो गंदा पानी हो इससे मच्छी मर रही है। ये जो पानी जो हो मतलब बंद होना चाहिए, पानी ढेर गंदा होगा इससे बहुत नुकसान हो रहा है, रोज मच्छी मर रही है। नगड़ा चिन्ना जी हो फैक्ट्रिया जिंक बना दिया इसमें भी, वहाँ पानी जा नहीं रहा, अगर जा रहा हम उसे बंद कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई पानी नहीं, साफ सुथरा नहाने धोने का पानी जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी अगर हमारा पानी आओ तो दोबारा शिकायत करियो, वहाँ खड़े होकर मैं दिखाई होगी पानी इस लाइन में को जा रहा है, ठीक है जी। बस बच्चों का उनका वो भी हम बंद कर देंगे, लेकिन दूसरे खेत में को पानी जा रहा है वो जिम्मेदारी आप ले लो, किसके खेत में जा रहा है वो हमारा नहीं, क्योंकि वो भी तो दवाई घेरते हैं खेत वाले, सामने वाला खेत वाला भी तो भैसा दवाई घेरेगा, वो जिम्मेदारी वो ले लो उनकी। अगर मेरा पानी जाता है तो मेरी जिम्मेदारी उसकी जाने की। नई टिहरी में पुलिस ने दो चोरी के सामान के साथ दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता में बताया कि थाना कैंपटी को पोकलैंड मशीन के अंदरूनी पार्ट्स चोरी होने की सूचना कैंपटी थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अभियुक्त अभी भी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। केस रजिस्टर हुआ जिसमें कि L&T कंपनी की जो मशीन्स हैं उनमें से जो महंगे मोटर पार्ट्स होते हैं, उनकी एक्सेसरीज होती हैं, इसको ये गैंग चोरी करता है। तो इसमें तीन लोग प्रकाश में आए थे, इसमें जो पुलिस टीम है इसके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई, 80 से ऊपर CCTV कैमरे चेक किए गए, जो सरकारी कैमरे हैं पुलिस के लगे हैं, प्राइवेट कैमरे हैं। उसके बाद एक गाड़ी एक जो ट्रेस हुई हमारी HR नंबर की, जिसमें कि ये पार्ट्स मिले, और तीन अभियुक्त हैं जिसमें कि एक मुजफ्फरनगर का, दो मथुरा के रहने वाले हैं। जो मुख्य अभियुक्त उसमें जितेंद्र है वो अरेस्ट हो गया है, और 7,20,000 की वैल्यू का जो सामान है ये इसकी गाड़ी से बरामद हुआ है। इसकी हम न्यायिक अभिरक्षा के लिए इसको भेज दी। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।